मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल यानी कि आजमगढ़। और हम सुबह ही निकल गए थे, मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत नींद भी आ रही है मुझे। और अभी इस समय 8:15 बज रहा है और हम सुल्तानपुर पहुँच गए हैं। अभी जस्ट मैंने चाय पिया है। मैंने सोचा था कि जब मैं घर से निकलूँगी तभी मैं शूट करूँगी, बट मुझे गाइस बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला शूट करने का। अभी प्रेजेंटली हम कार में ही हैं और अभी हमने रुक के चाय पिया था। चाय पीने के बाद थोड़ी सी फ्रेशनेस आई है, बिकॉज सुबह सुबह अगर चाय नहीं मिलती ना तो सीरियसली दिन बहुत ही बेकार सा लगता है। और बस रास्ते में ही हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि अभी कितने टाइम में हम पहुँचेंगे। और बीच बीच के कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। अब सो फ्रेंड्स, इस समय टाइम हो गया है 10:30 और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं ट्रैफिक में। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बिकॉज ईद आने वाली है, तो लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी निकले हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। और अब बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, ऐसा लग रहा है घर जल्दी पहुँच जाए। जब निकलते तब तो बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा जर्नी कम्प्लीट होने वाला रहता है हम यही सोचते हैं कि जल्द से जल्द पहुँच जाए, बोर हो रहा है अब थोड़ा सा। और पीछे मेरा बेटा, आप लोग देखिए, गेम खेल रहा है अर्ना, वो ऑलरेडी एक मोबाइल की बैटरी ख़त्म कर चुका है और मैंने उसे अब अपना दूसरा वाला सेलफोन दिया है और वो उसकी बैटरी ख़त्म करेगा। मैंने भी इसलिए दे दिया, मैंने सोचा चलो ठीक है इंजॉय कर लो, अभी समर वैकेशन चल रहा है तो कर लो भैया, इंजॉय कर लो, सब लोग करें तुम भी कर लो। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक है इस समय। अर्नब कुछ कह रहा है, अर्नब कुछ थका थका सा मुझे लग रहा है, इसका कुछ ज्यादा खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। क्या हुआ बेटा, शर्मा रहे हो? ऐसे तो अर्नब ऑफ कैमरा तो इतनी ज्यादा बातें करता है और वो मेरी नकल भी उतारता है, जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। अर्नब बहुत मेरी इस चीज की नकल उतारता है, बहुत कॉपी करता है वो। अभी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा है वो। हम बस अब थोड़ी टाइम में पहुँचने वाले हैं और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूँगी मेरा जो ये गेटअप है ये पूरा चेंज हो जाएगा बिल्कुल। आपको वहाँ पे जाते ही मैं एकदम एक टिपिकल बहू की तरह हो जाऊँगी। अभी जब तक हम कार में हैं, पहुँचे नहीं हैं, तब तक मैं ऐसी हूँ, सब कुछ चेंज हो जाएगा उसके बाद में। Thank you.
अब रात हो गई है फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ में। और ये बहुत टाइम के बाद हम ये चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। चूल्हा आप लोग जानते होंगे, जो मिट्टी का चूल्हा रहता है उस पर हम खाना बना रहे हैं। और वैसे तो सारी चीज़ें बन चुकी, बस रोटी बना रही हूँ मैं, और उसके बाद में फिर हम डिनर करेंगे। और बीच में मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कुछ भी रिकॉर्डिंग करने का, बिकॉज़ आज ही हम आए हैं तो काफ़ी लोग मिलने आ रहे थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शूट करने का। बट हाँ, कल से थोड़ा सा टाइम रहेगा तो डेफ़िनेटली मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग लंबा शूट कर पाऊँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि यहाँ पे कैसा है, क्या है, और हम लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, कल मैं आप लोगों से अब मिलूँगी। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।